तो मीडिया में आपका कोई नहीं, मीडिया को किसका पैसा जाता है? ये जीएसटी से आता है, ये 90% का पैसा है। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं, जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जाति नहीं है। जो पिछड़े लोग हैं, सबसे पहले ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, ये पिछड़े लोग, ये शब्द अच्छा नहीं। सबसे पहले इस शब्द को खत्म करना। ये जो पूरी मूवमेंट है ना बीजेपी वाली, इसका मिशन आपकी हिस्ट्री को मिटाने का है। अब ओबीसी पूछ रहा है कि भैया ये हो क्या रहा है, मतलब राम मंदिर बन गया और उसमें हमारा एक आदमी नहीं दिखा। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं, हाँ बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। तो मैं शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं, जिसने ये जो ओबीसी, दलित, आदिवासी की पॉलिटिक्स है, उस डायरेक्शन में उसको समझने में मेरी थोड़ी मदद की। एक दिन 10-15 साल पहले मैंने एक अखबार में छोटी सी न्यूज देखी कि हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर फ्रांस में जाकर अपने कपड़े फैशन शो कर रही थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फ्रांस फैशन की राजधानी मानी जाती है, फ्रांस के डिजाइनर अपने आप को दुनिया के सबसे टॉप फैशन डिजाइनर मानते हैं। तो मैंने कहा देखो बड़ी अच्छी बात है, हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर पहली बार फ्रांस के पेरिस में जाकर अपने कपड़े दिखा रही है। 2-3 दिन बाद उसी अखबार में मैंने एक आर्टिकल देखा कि फ्रांस के डिजाइनर्स ने हिंदुस्तान के जो डिजाइनर थी उसका मजाक उड़ाया कि देखो इसको तो डिजाइन ही नहीं आती। तो अब मेरे 2-3 फैशन डिजाइनर दोस्त हैं जो फ्रांस में, इटली में फेमस फैशन डिजाइनर्स हैं। तो मैंने फोन उठा के मैंने एक फैशन डिजाइनर को फोन लगाया जो मेरा दोस्त है, मैंने उससे कहा देखो तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कहता है क्या? मैंने कहा हिंदुस्तान से एक लड़की आती है, पहली बार आती है, अपने कपड़े दिखाती है, फैशन दिखाती है, और आप लोग डर गए तो आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया की एक औरत आपके सामने आकर जो आप काम करते हो उससे अच्छा काम कर गई। नहीं ताली मत बजाइए, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। तो वो मुझे कहता है देखो तुम लोग सुपर पावर की बात करते रहते हो, मगर ऐसे तुम लोग सुपर पावर कभी नहीं बनोगे। और अगर तुम सचमुच बात समझना चाहते हो तो मैं समझा देता हूं।
मगर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी बात, मेरा दोस्त है। मैंने कहा देखो बात यह है कि हिंदुस्तान से लड़की आई है, तुम लोग घबरा गए हो, तो ऐसे उल्टे सीधे बहाने मत बनाओ। कहता है नहीं मैं समझाता हूं तुम्हें। मुझे कहता है राहुल मुझे फैशन डिजाइनर कहा जाता है, हम सबको फैशन डिजाइनर कहा जाता है, मगर हम फैशन डिजाइनर नहीं हैं, हम दर्जी हैं। फैशन डिजाइनर सिर्फ नाम दिया गया है, हम हैं दर्जी। और आप दर्जी से बात कर रहे हो, आपने मुझे कोई भी कपड़ा दे दिया, मैं उस कपड़े को समझ जाता हूं, छूते ही मुझे कपड़े के बारे में पूरा सब पता लग जाता है, कैसे गिरेगा, कैसे काटा जाएगा, किस पर किस प्रकार लगाया जाएगा, मैं सब जानता हूं, मैं कारीगर हूं। आपने जो औरत भेजी वो कपड़े को नहीं समझती है, वो जो ड्रेस वो दिखा रही थी वो उसने नहीं बनाया है, उसके बैक ऑफिस में एक दर्जी बैठा हुआ है जो कपड़े को समझता है। आपने यहां एक दलाल भेजा है, एक दलाल भेजी है, आप उस दर्जी को भेज दो, हम ताली बजाएंगे। मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि देखिए आप सुपर पावर की बात कर रहे हो, और जो आपके देश को बनाता है, चाहे वो नाई हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो बढ़ई हो, मेटल वर्क्स का काम करता हो, इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको आप छुपा के बंद कमरे में रखते हो, और ये औरत जिसको आपने भेजा है इसको कपड़ा तो समझ नहीं आता, क्यों हम इसकी ताली बजाएं? बहुत गहरी बात बोली। और उसके बाद मैं सोचने लगा। फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते हैं, कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए यह कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए, और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं, उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउडस्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन हेडफोन, वो देखते रह जाते हैं, और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है, इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं। मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए,
95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में। एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। सारी की सारी कंपनियों के लिस्ट में 90% से एक मालिक है ही नहीं। तो लाउडस्पीकर आपके हाथ में ही नहीं है, और अगर लाउडस्पीकर आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे वो नॉन सीरियस। मैंने अगर इनके हाथ में लाउडस्पीकर दे रखा है, मतलब फुल पावर वाला लाउडस्पीकर, तो बाकी सब बोले ना बोले वो तो नॉन सीरियस ही होगा। वो सीरियस तो वही है जिनके हाथ में लाउडस्पीकर है। तो मीडिया में आपका कोई नहीं, और मीडिया को किसका पैसा जाता है? जीएसटी का पैसा जाता है, सरकारें पैसा देती हैं, हर स्टेट की सरकार, दिल्ली की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है, हिंदुस्तान की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है, किसका पैसा है ये? ये जीएसटी से आता है, ये 90% का पैसा है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया अगर 90% का पैसा है तो एक दो लाउडस्पीकर तो पकड़ा दो। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मीडिया में कोई नहीं तो जुडिशरी को देखते हैं। 650 हाई कोर्ट जजेस हैं, 90% आबादी के पास 650 में से 100, और वो भी छोटे छोटे। और जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचोगे खत्म। चलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो। 16 लाख करोड़ रुपए उन 200 में से 25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिया है। 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब अगर आप 25 बार किसान कर्जा माफ करो, हिंदुस्तान का किसान का कर्जा 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों को दिया है। 200 में से एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। उनकी सीनियर मैनेजमेंट में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक ओबीसी नहीं। तो जहां भी देखो, मीडिया में देखो, प्राइवेट अस्पतालों को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, जुडिशियल सिस्टम को देखो, जहां भी देखो कोई है ही नहीं वहां पे, 90% का कोई है ही नहीं। अब मुझे फ्रेंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अब मैंने यह भी नहीं कहा, आज तक मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ यह कहा है कि देखिए यह पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है, इसका तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे की का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट
करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप यह बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे, और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यह मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। सुनिए, अब लाइफ मिशन में और राजनीति और लाइफ मिशन में फर्क मैं आपको बताता हूं। लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, राजनीति में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और ज्यादा लोग आ गए, और तो 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और काम किस डायरेक्शन में करना चाहिए। सबसे पहले इसमें एक पॉलिटिकल डायरेक्शन है। पॉलिटिकल डायरेक्शन आपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह देख लिया है। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सरे है और उसमें
जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। हमने कैलकुलेट करके 16 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया, कैलकुलेट करके हमने जो हमें लगा, जो न्याय हमें लगा कि इतनी मदद करनी चाहिए, हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। मगर उससे भी ज्यादा बड़ा एक काम है जो आप, मैं और हम सब को एक साथ करना पड़ेगा। देखिए, जो पिछड़े लोग हैं, सबसे पहले यह शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये पिछड़े लोग, ये शब्द अच्छा नहीं है। सबसे पहले इस शब्द को खत्म करना है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको यह समझना है कि आपके साथ किया क्या गया है। ये जो पूरी मूवमेंट है ना बीजेपी वाली, इसका मिशन आपकी हिस्ट्री को मिटाने का है कि आप लोग अपनी हिस्ट्री ना पहचानो और ना समझो। तो एक प्रकार से आपको बीते हुए समय से काट दिया गया है। यह हुआ है आपके साथ और आपकी हिस्ट्री है। आपकी हिस्ट्री फूले जी हैं, अंबेडकर जी हैं, नहीं, अंबेडकर जी हैं, मगर वो बहुत चुने हुए लोगों की हिस्ट्री है, 2-3-4 लोगों की हिस्ट्री है। मगर एक्चुअली फूले जी जैसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 24 घंटा अपना खून पसीना दिया, मगर उनकी कोई बात ही नहीं करता है। तो जो आपकी हिस्ट्री है जिसको मिटाया गया है, जिसको मिटाया गया है, उसको रिवाइव करना है। आजादी की लड़ाई में, मैं आपसे पूछता हूं, आजादी की लड़ाई में आपका क्या रोल था? क्या रोल था आपका आजादी की लड़ाई में? सेंट्रल रोल था आपका आजादी की लड़ाई में। आजादी की लड़ाई पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, इन सब ने लड़ी, मगर कोई मेंशन ही नहीं। माइनॉरिटी भी। तो मेरा कहना है कि जब तक हम आपकी हिस्ट्री को रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक आपकी एक बार फिर जड़ नहीं लगेगी, हिस्टोरिकल जड़ नहीं लगेगी, तब तक यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मगर यह एक बात समझ लीजिए कि जो मैंने आपसे पहले कहा, यह मेरे लिए राजनीति नहीं है, यह मेरे लिए लाइफ मिशन है, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा, आप लिख लो,
आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और जितना इसको रोका गया उतनी तेजी से, उतनी फोर्स से यह वापस आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के 90% लोगों को यह बात समझ आ गई है, शायद वो आज कह नहीं रहे हैं, खुलकर कह नहीं रहे हैं, मगर उनको बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है। और देश 90% उनका है, तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जाति जनगणना होगा। अब आपको ये जो 90% हैं, इनको आपका रोल, आपका काम है, आपका रोल है कि इनको बताना कि देखिए इस देश में आपकी भागीदारी नहीं है। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर रील देखकर भागीदारी नहीं बनती है। मैंने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान के युवा 7-8 घंटा इंस्टाग्राम की रील देख रहा है, 90% 7 घंटा। मैंने चेक किया, सर्वे कराया, हरियाणा में मैंने लोग भेजे, सर्वे कराया कि भाई युवा कितने घंटे इंस्टाग्राम पे हैं, 7 घंटे। मतलब बीजेपी का काम जो ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उनका ध्यान भटकाने का है। कभी इधर भेजेंगे, कभी उधर भेजेंगे, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी बॉलीवुड। आप भी उसमें हैं भैया, आप भी 90% में हैं, और आपकी हालत हम जानते हैं, आपको क्या सहना पड़ता है हम सब जानते हैं। तो ये ध्यान भटकाते हैं, ये पूरा का पूरा जो इनको मूवमेंट है, इसका लक्ष्य ओबीसी का ध्यान भटकाना, यही है लक्ष्य। और प्रॉब्लम इनकी क्या है कि ध्यान को आप इतनी टाइम ही भटका सकते हो, और अब वो टाइम आ रहा है कि अब ओबीसी पूछ रहा है कि भैया ये हो क्या रहा है, मतलब राम मंदिर बन गया और उसमें हमारा एक आदमी नहीं दिखा। पार्लियामेंट नया खुल गया, बड़ी पूजा हुई, नरेंद्र मोदी बैठे, मगर हमारा एक आदमी उसमें नहीं दिखा। दलित आदिवासी, ये तो कह रहे हैं आदिवासी राष्ट्रपति है हिंदुस्तान में, मतलब ये कौन सी भागीदारी है। हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है, नया पार्लियामेंट बन रहा है, हेड ऑफ स्टेट का काम उस पार्लियामेंट को खोलने का है, हेड ऑफ स्टेट को परे कर दिया। तो लोगों को यह बात समझ आ रही है, राम मंदिर में भी बिल्कुल यही हुआ। तो देश को यह समझ आ रहा है, 90% को समझ आ रहा है, और इसको हमें आगे ले जाना है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनकी मदद नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भैया अगर उनका
₹100, उनके ₹100 की मदद हो रही है तो इनकी भी ₹100 की कर दो ना। अगर आप उनका कर्जा माफ कर रहे हो, उनका कर्जा माफ कर रहे हो, उनका आपने 16 लाख करोड़ कर दिया और हिंदुस्तान के किसान का आपने ₹50 भी नहीं किया। ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, दलित माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, उनका आपने कितना माफ किया? कुछ नहीं, फीस बढ़ा दी। और फीस बढ़ा दी नहीं, बात समझिए, आपने कहा फीस बढ़ा दी, फीस बढ़ाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, सही? प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस किसके? वही 5% के हैं। वो जमीन कहां से आई? जमीन कहां से आई? आपकी जमीन, किसानों की जमीन अक्वायर की। स्कॉलरशिप खत्म कर दी। तो प्राइवेट अस्पताल देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज देखिए। आप जीएसटी का पैसा देते हो, जमीन आपसे एक्वायर की जाती है और फिर आपकी फीस बढ़ती है। और हर 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 संस्था में यह है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, फसल बीमा योजना। मैंने ये पूरी एनालिसिस की है, फसल बीमा योजना 45,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार, स्टेट की सरकार फसल बीमा योजना को देती है। फसल बीमा योजना का पैसा 16 कंपनीज को जाता है। 16 कंपनीज के मालिकों में एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नहीं है। उनकी सीनियर मैनेजमेंट में जिनको करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, उसमें एक आदिवासी, एक दलित, एक ओबीसी नहीं। फिर तूफान आता है, किसान का खेत खत्म हो जाता है। पैसा कहां से आया? जीएसटी से आया, किसान का पैसा गया। और फिर कंपनी कहती है, भैया देखो आपके खेत में तो नुकसान हुआ ही नहीं और किसान को पैसा नहीं दिया। तो कहा जाता है कि 45,000 करोड़ रुपए किसानों के जा रहे हैं, मगर होता क्या है? 45,000 करोड़ रुपए 16 कंपनी को जाते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी यही है। जाति जनगणना से क्लैरिटी हो जाएगी। और जाति जनगणना को मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। आप यह मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है। वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा? देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब, जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। तो पता लग जाएगा कि मीडिया में इतनी कंपनियां हिंदुस्तान की मीडिया को कंट्रोल करती हैं, इतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार इनको दे रही है और इस संस्था में इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने आदिवासी, वो सब संस्थाओं का होगा। तो ये एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मान लिए इसको। और मुझे लगता है कि 70 साल बाद ये एक जरूरी कदम है कि हम असेस करें कि 70 साल की आजादी के बाद आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लॉजिकल है और इसका कोई इतराज नहीं कर सकता है। यह मैं आपसे कहना चाहता था। आप यह मत सोचिए कि यह काम एक दिन का, दो दिन का, पांच दिन का है। ये लाइफ टाइम का काम है और इसको हम मिलकर करने जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।